अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ चिकन हलीम की। इसके लिए आपने एक पाव चने की दाल, 50 ग्राम चावल, 50 ग्राम दलिया, 100 ग्राम मसूर की दाल, 100 ग्राम मूंग की दाल, इन सब दालों को आपने ओवरनाइट सो करके रख देना है। इसके बाद आपने 3 से 4 लीटर पानी लेना है। एक पतीली में आधा चम्मच इसमें नमक डालना है और आधा चम्मच इसके अंदर हल्दी ऐड करनी है। और इसके अंदर भीगी हुई दालें आपने, अगर ओवरनाइट भीगी हो तो बहुत ही ज़बरदस्त है, नहीं तो 4 घंटे कम से कम ये भीगी हुई दालें होनी चाहिए, आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। उसके बाद इसको बॉईल होने के लिए रख देना है, कम से कम 1.5-2 घंटे आपने इसको बॉईल करना है। इसको आप कवर करके रख दें और बॉईल होने के लिए इसको रख, एक उबाल आ जाए उसके बाद आपने इसको मीडियम आंच पे बॉईल होने देना है। नेक्स्ट स्टेप है इसका कोरमा तैयार करना हलीम का। इसके अंदर 3 पाव चिकन लेंगे, हड्डी वाला लेंगे तो वो भी ज़बरदस्त है, ताकि हड्डियों का भी इसके अंदर फ्लेवर आ जाएगा। अगर आप इसके अंदर बोनलेस ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ठीक है। 1 टेबल स्पून इसके अंदर नमक, 1 टेबल स्पून इसके अंदर सुर्ख मिर्च और 1/2 टेबल स्पून हल्दी, और इसके अंदर लहसुन ऐड करेंगे। ये देखें दाल की पोजीशन देखें, वो भी बॉयल अच्छी खासी हो रही है। और 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर टाटरी ऐड करेंगे इसके अंदर, इससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। 2 बड़े प्याज कटे हुए इसके अंदर, और अदरक हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और 3 से 4 अदरक टमाटर वो भी इसके काट के ऐड कर दें, और खड़े मसाला जात वो भी इसके अंदर ऐड कर दें, जिसमें बड़ी इलायची, दालचीनी, बादियान के फूल, लौंग, जीरा और कुटी हुई मिर्च, लाल मिर्च। और इसके अंदर 2 लीटर पानी ऐड करके इसको प्रेशर लगा दें। अगर आप इस प्रेशर लगाना चाहते हैं वो भी ठीक है, कम से कम 25 मिनट का इसके लगा, ताकि अच्छी तरह तमाम मसाला जात इसके अंदर हो जाए और गोश्त भी हड्डी को छोड़ दे। उसके बाद दालें देखें हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। चिकन मेरा गल चुका है और मैंने इसको सेपरेट कर लिया है हड्डियों से। अब इसके अंदर मैं 1.5 कप ऑयल ऐड कर रही हूँ। अब इसकी अच्छी तरह चिकन की ज़रा भुनाई हो जाएगी। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त गल चुका है। अब इसके अंदर मैंने चुटकी येलो कलर ऐड किया, क्योंकि पक पक के ज़रा कोरमे का कलर भी ज़रा फेड हो चुका था। अब इसके अंदर येलो कलर डाला है, और साथ ही मैंने इसके अंदर ज़ीरा और कुटी हुई मिर्च ऐड की है। ये देखिए बिल्कुल रेशा रेशा चिकन हो चुका है। इस तरह का आपने इसको पकाना है, चिकन आपका इस तरह गला होना चाहिए। 5 to 7 मिनट इसको कुक करने के बाद, भूनने के बाद, अब मैं इसके अंदर दालें ब्लेंडर में मैंने ब्लेंड कर ली थी, दालें आपकी देख लें। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करें, ताकि चिकन और दालों का मिक्सचर अच्छी तरह मसाला जात इसके अंदर ब्लेंड हो जाए। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें आप, मुझे इसका कलर ज़रा कम लगा है, तो अब मैं इसके अंदर 1 चुटकी येलो कलर और ऐड कर रही हूँ। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर दें। ये देखिए बबल्स बनना शुरू हो गए, इसका मतलब काफ़ी अच्छी तरह ये कुक हो चुकी है। अब दाल को जितना आप पतला रखना चाहते हैं आप पे डिपेंड करता है। 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर मैं ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ। अब बाकी जो मसाला जात रह गए थे वो इस टाइम पे मैं इसको ऐड कर रही हूँ। गरम मसाला हो गया, ब्लैक पेपर होगी, या टाटरी की अगर मुझे कम या ज़्यादा लगेगी वो भी मैं इसके अंदर अब ऐड करूँगी। ये देखें चम्मच के ऊपर देखें दाल जो है वो ठहरना शुरू होगी, ये इसकी पहचान है। बाकी आप जितना इसको गाढ़ा रखना चाहते हैं वो उतना रखें। मसाला जात हलीम में कम होते हैं, लेकिन जब इसको सर्व करते हैं उस टाइम पे बाकी गरम मसाला हो गया, ब्लैक पेपर होगी, चाट मसाला हो गया, वो आप इसके अंदर एडिशन कर सकते हैं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। इस तरह इसको फ्राई की हुई प्याज के साथ, अदरक के साथ, हरी मिर्च के साथ इसको पेश करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।